नहीं रहेगा। विज्ञान में कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? अस्थियों से बने ढांचे को, किससे? अस्थियों से बने ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, अस्थियों से बने ढांचे को क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। क्योंकि कंकाल तंत्र में क्या होती है? अस्थियां, तो उसी से मिलता जुलता नाम है, बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, या ओस्टियोलॉजी। हड्डियां या अस्थियां किससे बनी होती है? तो मैं आपको बताऊं, अस्थियां कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। किससे? कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो तीन प्रकार की प्रोटीन यहाँ देखने को मिलेंगी आपको। एक तो अस्थियों में आए तो ओसिन, आगे अस्थियों की बात आती है मांसपेशियां, उनमें पाई जाती है मायोसिन, और मांसपेशियों की बात उपास्थि, उपास्थि की जो प्रोटीन होती है वो होती है कॉन्ड्रिन। कौन सी? कॉन्ड्रिन। तीन प्रोटीन, एक तो उपास्थि में कॉन्ड्रिन, मांसपेशियों में मायोसिन, और हड्डियों में या अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। स्वस्थ मनुष्य में 206। अब आ जाता है कभी कभी शिशु में, नवजात शिशु, उसमें हड्डियों की संख्या ज्यादातर तो 300 होती है, लेकिन 300 के अभाव में कई बार 306 दे दिया जाता है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 या 306। अब मानव का जो कंकाल